Hello everyone, welcome to our YouTube channel A to Z Learning. Friends, हम आज पढ़ेंगे noun जो ये part of speech के type में आता है, ये जिसमें होता है noun, pronoun, adjective, adverb, verb, ये सारे क्या है part of speech. तो noun कितने type होते हैं noun के? Proper noun होता है, common noun, material noun, collective noun और last में होता है abstract noun. Means past type होते हैं noun के. तो पहला है proper noun. Noun ये topic दिखने में बहुत आसान है, लेकिन इसमें हम हमेशा कंफ्यूज रहते हैं कि यस यूज करें, सिंगुलर यूज करें कि प्लूरल यूज करें, कब आर्टिकल द, एन यूज करें, कब नहीं करें. इसलिए बहुत जरूरी है कि नाउन को हम सही तरीके से पढ़ें. हम पेपर में जाते हैं सिर्फ जो हमें ठीक लगता है पढ़ने के बाद वही तुक्का मार के आते, लेकिन ये सही तरीका नहीं है इंग्लिश में मार्क्स स्कोर करने का. तो इसीलिए सही तरीके से पढ़िए. तो क्या है प्रॉपर नाउन? इसको सर्टेन नाउन भी बोलते हैं, जो किसी चीज को, किसी व्यक्ति को कॉल करने के लिए जो नाम है, एग्जैक्ट नाम उसका, उसको बोलते हैं प्रॉपर नाउन. जैसे गांधी जी, मेघा, मोहन, कश्मीर, ये सब क्या है? प्रॉपर नाउन है. किसी को बुलाने के लिए हम ये नाउन यूज करते हैं. तो इसके सामने, प्रॉपर नाउन के सामने कभी भी नो आर्टिकल यूज करना, मींस ए एन दी कभी भी नहीं लगेगा, और इसका प्लूरल फॉर्म भी नहीं आएगा. नो प्लूरल फॉर्म. क्वेश्चन देखिए. क्वेश्चन है, शिवाजी वॉज द ब्रेवेस्ट किंग ऑफ इंडिया. Bravest king of India. Option है A and the, no article. क्या आंसर रहेगा अब इसका? शिवाजी है means noun है. तो जैसे कि यहाँ पे क्या चाहिए? No plural form चाहिए और article भी नहीं चाहिए, तो यहाँ पे आएगा no article. यहाँ पे the नहीं आएगा. स्वर्ण रेखा फ्लोज टूवर्ड्स मद्रास. देखिए ये स्वर्ण रेखा क्या है? नदी है. तो यहाँ पे आर्टिकल आएगा क्या? ये फिल इन द ब्लैंक्स है. यहाँ पे बताइए क्या आर्टिकल आएगा? ए एंड दी या फिर नो आर्टिकल. स्वर्ण रेखा है, नदी है. तो जैसे कि किसी भी नाउन के सामने क्या नहीं चाहिए? प्रॉपर नाउन के सामने आर्टिकल नहीं चाहिए, तो यहाँ पे भी आर्टिकल नहीं आएगा. लेकिन अगर स्वर्ण रेखा की जगह यहाँ पे गंगा रहती, तो यहाँ पे क्या आता? आर्टिकल द. ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं द गंगास. फ्लोज गंगाज, गंगेज, फ्लोज टूवर्ड्स कोलकाता. ठीक है, यहाँ पे थी स्वर्ण रेखा, तो नो आर्टिकल यूज किया था हमने. लेकिन यहाँ पे है जब गंगा, तब हम आर्टिकल यूज कर रहे द. ऐसा क्यों? क्योंकि गंगा एक क्या है? महानदी है. इसके बहुत सारे ट्राइब्यूटरीज है, ठीक है, इसलिए. लेकिन स्वर्ण रेखा एक उपनदी है, उसके कोई भी ट्राइब्यूटीज नहीं है, इसलिए यहाँ पे नो आर्टिकल रहेगा और गंगा के सामने दे रहेगा आर्टिकल. और एक क्वेश्चन देखते हैं प्रॉपर नाउन का. क्या है? मोहन, मोहन्स आईज रिफ्लेक्ट अ होप फॉर बेटर फ्यूचर इन माइक्रोसॉफ्ट.
क्या है, जब भी कॉमन नाउन रहे, आपको कॉमन नाउन दिखता है तो उसका सिंगुलर क्या आएगा, जैसे फार्मर है तो फार्मर का सिंगुलर फार्मर्स ऐसे लिखेंगे कॉमन नाउन में, मीन्स मोहन्स की जगह मोहन्स आईज ऐसे लिखेंगे सिंगुलर में, और प्लूरल क्या होगा इसका, फार्मर्स। लेकिन प्रॉपर नाउन में मोहन है, तो सिंगुलर में प्रॉपर नाउन का मोहन का क्या लगेगा, अपोस्ट्रोफी एस लगेगा, मोहन्स होगा, लेकिन इसका प्लूरल फॉर्म नहीं होगा, ऐसे नहीं लिख सकते हम ऐसे, तो ये हमेशा क्या है, रॉन्ग है। तो यहाँ पे ये जो दिख रहा है क्या प्लूरल फॉर्म है, मोहन साइज ऐसे नहीं बोलते, यहाँ पे आएगा अपोस्ट्रोफी यस, मोहन साइज रिफ्लेक्ट अ होप फॉर बेटर फ्यूचर इन माइक्रोसॉफ्ट, समझा इतना। प्लूरल फॉर्म अगर कॉमन नाउन है तो ही चेंज होगा, प्रॉपर नाउन में प्लूरल फॉर्म नहीं आएगा। ये क्वेश्चन देखिए, अन्ना हजारे इज कॉल्ड द गांधी ऑफ इंडिया, वही है प्रॉपर नाउन है अन्ना हजारे इज कॉल्ड, यहाँ पे तो नो आर्टिकल दिया है मीन्स राइट है, लेकिन ये देखिए ये गांधी यहाँ पे प्रॉपर नाउन है और इसके पहले मैंने आर्टिकल द यूज किया है, दिख रहा है तो ऐसा क्यों, और यहाँ पे द बिल्कुल राइट है तो ऐसा क्यों, देखिए गांधी ऑफ इंडिया के साथ आया है द, मीन्स गांधी क्या है, नाउन वन है और ये नाउन टू है, जब नाउन वन और नाउन टू दो नाउन ऑफ से कनेक्ट होते हैं तो उसके पहले जो आएगा वो क्या रहेगा, आर्टिकल द, हमेशा आप क्या यूज करोगे, आर्टिकल द, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, कंपेरिजन हो रहा है, अन्ना हजारे का कंपैरिजन हो रहा है गांधी जी के साथ, इसलिए यहाँ पे जो सेकंड नाउन है वहां पे आएगा द गांधी ऑफ इंडिया। अच्छा, कालिदास इज शेक्सपियर, क्या आएगा यहाँ पे बताइए, ए आएगा एन आएगा कि क्या आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, ए, क्योंकि क्या है, कालिदास इज अ शेक्सपियर पोएट है, ये कॉमन नाउन, ये तो प्रॉपर नाउन है कालिदास, बट शेक्सपियर क्या है, कॉमन नाउन है, ग्रुप के लिए यूज करते हैं पोएट, तो इस पे आर्टिकल आएगा ए। सेकंड टाइप देखते हैं अब, टाइप टू, कॉमन नाउन क्या होता है, जब भी हम किसी के ग्रुप को कॉल करने के लिए जो भी यूज करते हैं उसे बोलते हैं कॉमन नाउन, जैसे टेम्पल स्टूडेंट, ग्रुप ऑफ स्टूडेंट, मीन्स जो बच्चे हैं उसके ग्रुप को क्या बोल रहे हैं हम, स्टूडेंट जो भी स्कूल जा रहे हैं, चर्च, रिवर, प्रीमियम, हॉस्पिटल, प्रिजन, जेल, गर्ल, डॉक्टर, नर्स, ये सब क्या है, कॉमन नाउन है। एग्जाम्पल देखते हैं इसका, क्या होगा, द नाउन विच इज यूज टू कॉल द ग्रुप ऑफ पर्सन, शी गोज टू स्कूल रेगुलरली, क्या आएगा यहाँ पे, शी गोज टू स्कूल, आर्टिकल दी आएगा क्या यहाँ पे, स्कूल क्या है, कॉमन नाउन है, तो यहाँ पे आर्टिकल आ सकता है, लेकिन यहाँ आएगा क्या, नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे रहेगा नो आर्टिकल, क्योंकि हम स्कूल जा रहे हैं तो किसी उद्देश्य से जा रहे हैं, पढ़ने के लिए स्कूल जा रहे हैं, तो हमेशा जब भी हम किसी उद्देश्य से जाते हैं तो वहाँ पे नो आर्टिकल लगेगा। लेकिन अब एक क्वेश्चन देखिए, शी गोज टू हॉस्पिटल टू मीट हर एलिंग फ्रेंड,
हॉस्पिटल है किसी स्थान का नाम है, मीन्स कॉमन नाउन है, सेम ग्रुप ऑफ पर्सन या सेम ग्रुप ऑफ प्लेस है, तो यहाँ पे आर्टिकल क्या यूज करेंगे? यहाँ पे आर्टिकल आएगा, तो क्या आर्टिकल आएगा यहाँ पे? दी आएगा। जैसे मैंने पहले क्वेश्चन में बताया कि यहाँ पे आर्टिकल नहीं आएगा क्योंकि हम स्कूल में किसी उद्देश्य से जा रहे हैं, पढ़ने के लिए जा रहे हैं, लेकिन सेकंड क्वेश्चन में उद्देश्य चेंज हो रहा है। वो हॉस्पिटल में तो जा रही है लेकिन इलाज करने के लिए जा रही है क्या? नहीं, किसी को मिलने के लिए जा रही है। तो यहाँ पे क्या आएगा? शी गोज टू द हॉस्पिटल, ऐसे आएगा। तो हमेशा याद रखना, जब भी आपको हॉस्पिटल, स्कूल, कॉलेज ऐसे कॉमन नाउन दिखते हैं तो तब आर्टिकल यूज नहीं करना है, लेकिन अगर उद्देश्य चेंज होता है तो आर्टिकल यूज करना है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। ऑल गर्ल्स स्टूडेंट वर प्रेजेंट यस्टरडे। क्या गर्ल्स स्टूडेंट दोनों कॉमन नाउन है? तो जब भी ऐसे कॉमन नाउन एक साथ आते हैं दो, तो ये तो प्लूरल है ठीक है, लेकिन ये भी प्लूरल है, तो इसका रूल क्या है बताइए? राइट है क्या ये? ऑल गर्ल्स स्टूडेंट्स ऐसे बोलते हैं क्या? नहीं, जब भी आपको दो कॉमन नाउन एक साथ दिखे तो पहला जो कॉमन नाउन रहेगा वो प्लूरल नहीं रहेगा, हमेशा क्या रहेगा? वो सिंगुलर ही रहेगा, तो ये प्लूरल नहीं रहेगा, और दूसरा जो रहेगा वो रहेगा प्लूरल। मीन्स यहाँ पे स्टूडेंट्स राइट है, यहाँ पे यस नहीं रहेगा। ऑल गर्ल स्टूडेंट्स वर प्रेजेंट यस्टरडे, ये रहेगा आपका सही आंसर। ऐसे क्वेश्चन दिखते हैं एग्जाम में और हम कंफ्यूज होते हैं, हटाए कि नहीं हटाए, यहाँ से यस क्या राइट है। याद रखना, जब भी ऑल सम, ऑल की जगह सम भी हो सकता है, मेनी भी हो सकता है, फाइव भी हो सकता है, जब भी आपको ऑल सम मेनी फाइव इसके साथ दो कॉमन नाउन दिखे तब पहला प्लूरल नहीं रहेगा और दूसरा प्लूरल रहेगा, क्योंकि यहाँ पे गर्ल क्या कर रहा है? एज अ एडजेक्टिव आ रहा है, एडजेक्टिव का काम कर रहा है। और एक क्वेश्चन देखते हैं इसका। फाइव मैन सर्वेंट्स आर वर्किंग इन दिस कंपनी। सेम क्वेश्चन है, यहाँ पे भी दो कॉमन नाउन है आए हैं, मैन और सर्वेंट्स। जैसे कि मैंने बताया पहला प्लूरल नहीं चाहिए, लेकिन यहाँ पे मैन राइट है क्या? नहीं, जब भी आपको मैन या उमेन दिखे तो आपको उसको चेंज करके मेन और उमेन करना है। मीन्स जब भी फाइव, ऑल, मेनी, सम, मैन और उमेन के साथ दिखाई दे और दूसरा कॉमन नाउन भी रहे, मीन्स कॉमन नाउन वन रहेगा मैन उमेन और दूसरा कॉमन नाउन टू कुछ भी रह सकता है, तो पहला भी प्लूरल आएगा और दूसरा भी प्लूरल आएगा, दोनों क्या है? राइट है। मैन इज अ मॉर्टल, यहाँ पे बताइए क्या आर्टिकल आएगा? क्या मैन है मीन्स कॉमन नाउन है तो आर्टिकल आता है कॉमन नाउन में, लेकिन इसके पहले आएगा क्या? नहीं, क्यों? क्योंकि मैन प्रतिनिधित्व कर रहा है, मैन की जो जाति है, मनुष्य की जो जाति है उसके बारे में वो बता रहा है कि मनुष्य क्या है, मरणशील है, तो यहाँ पे आर्टिकल नहीं आएगा, नो आर्टिकल आएगा। वैसे वुमेन नेम इज फ्रेल्टी, यहाँ पे आएगा क्या आर्टिकल? नहीं, यहाँ पे भी नो आर्टिकल आएगा, क्योंकि वुमेन क्या कर रही है? प्रतिनिधित्व कर रही है स्त्री प्रजाति का। थाय मीन्स होता है यूअर, वुमेन यूअर नेम इज फ्रेल्टी। तो समझा, जब भी मैन, वुमेन, साइंस ये सब चीजें वाइडेस्ट सेंस में यूज करते हैं तब आर्टिकल नहीं आएगा, नो आर्टिकल आएगा। लेकिन जब भी कोई प्राणी
मीन्स एलिफेंट, टाइगर, जब भी प्राणी उसके जाति का प्रतिनिधित्व करे तो उनके सामने दी आता है, मीन्स मैन के सामने नहीं आता, मैन वुमेन के सामने, इंसानों के सामने, लेकिन एनिमल के सामने दी आता है। जैसे एग्जाम्पल से देखते हैं, एलिफेंट इज द बिगेस्ट एनिमल ऑफ द फॉरेस्ट। यहां तक तो ठीक है, यहां बताइए आर्टिकल आएगा क्या? आएगा यहाँ पे दी आर्टिकल आएगा, क्योंकि हम ऐसे बोलते हैं द टाइगर, द एलिफेंट, क्या आएगा? द एलिफेंट इज द बिगेस्ट एनिमल ऑफ द फॉरेस्ट। ठीक है, हम थर्ड पढ़ते हैं, मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन ऐसे नाउन जो सब्सटेंस से बने हुए हैं, जैसे गोल्ड, सिल्वर है सब्सटेंस से बने हुए नाउन है, शुगर, मिल्क, वाटर, ऑयल, कॉपर, आयरन, क्ले। क्ले मीन्स क्या होता है? मिट्टी, सॉइल, रबर, वुड, ग्लास, ब्रिक, स्टोन। ये सारे नाउन क्या है? सब्सटेंस से बने हैं, मीन्स मटेरियल नाउन है। तो जब भी आपको ऐसे नाउन दिखते हैं तो इसके सामने कभी आर्टिकल नहीं आएगा, क्या आएगा? नो आर्टिकल, और उसका प्लूरल फॉर्म भी नहीं होगा, मीन्स नो प्लूरल फॉर्म। जब भी मटेरियल नाउन आए तो उसका प्लूरल फॉर्म नहीं होगा। क्वेश्चन देखते हैं, गोल्ड के एक एरर का क्वेश्चन देखते हैं। द गोल्ड इज प्रीशियस देन सिल्वर। अब बताइए यहाँ पे दी राइट है क्या? गोल्ड आया है मीन्स क्या चाहिए? नो आर्टिकल चाहिए, लेकिन यहाँ पे आर्टिकल दी है तो एरर रहेगा फर्स्ट पार्ट में। आंसर रहेगा गोल्ड इज प्रीशियस देन सिल्वर। दिस हाउस इज बिल्ट ऑफ स्टोन ब्रिक्स, कुछ भी स्टोन ब्रिक्स या फिर सीमेंट। तो बताइए यहाँ पे मैंने प्लूरल फॉर्म लिया है, स्टोन्स, ब्रिक्स, सीमेंट्स, राइट है क्या ये? नहीं, क्योंकि इसका प्लूरल फॉर्म भी नहीं आता है। तो क्या रहेगा? द हाउस इज बिल्ट ऑफ स्टोन सीमेंट ब्रिक्स। लेकिन एक क्वेश्चन देखिए थर्ड नंबर का, बट डार्बी आई हैज रिसेंटली अनाउंस टू प्रोड्यूस न्यू कॉपर्स एंड गोल्ड्स। देखिए ये मटेरियल है कॉपर्स एंड गोल्ड्स, लेकिन इसका प्लूरल फॉर्म आया है, तो ये राइट है क्या? हाँ बिल्कुल राइट है। क्यों बताइए क्यों? क्योंकि ये जो कॉपर और गोल्ड है, ये बिस्किट आरबी आप कॉइन आरबी है, जब कॉपर और गोल्ड के क्या बनाता है, मींस उसे बिस्किट या तो फिर कॉइन के फॉर्म में बनाता है, पता है आपको ये चीज? आरबीआई हैज रिसेंटली अनाउंस टू प्रोड्यूस न्यू कॉपर्स एंड गोल्ड्स, मींस वो कॉपर और गोल्ड प्रोड्यूस करने वाला है क्या? नहीं, एक तो कॉइन प्रोड्यूस करेगा या तो फिर बिस्किट्स। तो वो हमेशा क्या रहेगा? मीन्स ये कॉपर और गोल्ड तो आए, ये उसके फॉर्म में आए कॉइन के फॉर्म में, तो ये हमेशा प्लूरल रहेगा। यहाँ पे प्लूरल है तो राइट है। क्वेश्चन नंबर फोर, द आयरन ऑफ झारखंड
iron of Jharkhand is exported to other country. बताइए यहाँ पे आयरन दिख रहा है, कॉमन नाउन है आयरन ऑफ झारखंड, नाउन वन नाउन टू है, ऑफ से कनेक्ट पहला वाला रूल, तो यहाँ पे दी बिल्कुल राइट है. अब पढ़ते हैं हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन. एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्यों यूज करते हैं? ऐसा नाउन जिसे हम छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, ये होते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन. जैसे जो हमें बताता है एक्शन, क्वालिटी, स्टेट, ये सब क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन. जिसमें आता है ब्यूटी, क्या आता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन में? तो हम पहले क्वालिटी के लिए देखते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन फॉर एब्स्ट्रैक्ट नाउन फॉर क्वालिटी. इसमें आता है ब्यूटी, ब्यूटी, ऑनेस्टी, ब्रेवरी, ब्रेवरी या ब्रेवटी, सिंसेरिटी, गुडविल, लॉयलिटी, ये सब क्या दिखा रहा है? क्वालिटी दिखा रहा है ह्यूमन बींग की. तो इसके सामने हमेशा नो आर्टिकल आएगा. अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन फॉर स्टेट देखते हैं. फॉर स्टेट, स्टेट में क्या होता है? मनुष्य की जो हालात है जिसमें हो सकता है स्लेवरी, पॉवर्टी, स्लेवरी मीन्स गुलामगिरी, फ्रीडम, लिबर्टी, गुडविल, सॉरी, स्लीप, चाइल्डहुड, यूथ, ओल्डनेस, ये सब क्या है? अवस्था है, स्टेट है मनुष्य की. जिसमें स्लेवरी, पॉवर्टी, फ्रीडम, लिबर्टी, ये सब मैन मेड है, ये मैन की वजह से आते हैं. लेकिन स्लीप, चाइल्डहुड, यूथ, ओल्डनेस, ये सब नेचर मेड है, किसी को भी कभी आ सकती है. और थर्ड है, तो इसके सामने भी क्या? नो आर्टिकल यूज करना है. और थर्ड है फॉर एब्स्ट्रैक्ट नाउन फॉर एक्शन, जिसमें हो सकता है थेफ्ट, चोरी करना, हेट्रेड, नफरत, डिसीजन, जजमेंट, लव, अफेक्शन, ये सब है एक्शन. एब्स्ट्रैक्ट नाउन फॉर एक्शन. तो सेंटेंस देखते हैं. द ब्यूटी इज अ फेडिंग थिंग. ब्यूटी मुरझा जाती है, तो एरर है क्या? कौन से पार्ट में एरर है? देखिए ब्यूटी दिख रहा है, ये क्वालिटी बता रहा है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन फॉर क्वालिटी है, तो इसमें हमेशा क्या चाहिए? नो आर्टिकल चाहिए. तो यहाँ पे दी नहीं आएगा, मीन्स आंसर रहेगा ब्यूटी इज फेडिंग थिंग्स. एंड ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी. ऑनेस्टी के साथ एन आएगा क्या? नहीं आएगा, क्योंकि क्वालिटी बता रहा है. हम बोलते हैं लेकिन एन ऑनेस्ट बोलते हैं, ठीक है?
एंड ऑनेस्टी नहीं आएगा। और एक क्वेश्चन देखते हैं, द ऑनेस्टी ऑफ गांधी जी इज वेल नोन टू ऑल। यहाँ पे दी राइट है क्या? देखिए ऑनेस्टी नाउन वन है, नाउन टू है, और ऑफ के साथ आया है, मीन्स यहाँ पे दी बिल्कुल राइट है। अगर मैं बोलूँ इसकी जगह द ब्यूटी ऑफ कश्मीर इंचेंटेड मी, राइट है क्या? राइट है, क्योंकि ब्यूटी ऑफ कश्मीर आया है तो दी भी राइट है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, कल हम इसका और एक टॉपिक बचा है वो पढ़ेंगे नाउन का। तो थैंक यू फ्रेंड, कीप वॉचिंग।